डेज के बाद व्लॉग डाल रहा हूँ बिकॉज मेरी बहुत सारी क्लासेस थी, आप समझ सकते हैं। लेकिन आज जो व्लॉग है वो बहुत ही एडवेंचरस होने वाला है, तो पूरा वीडियो प्लीज देखिएगा। तो आज मैं जा रहा हूँ माथेरन। मैं एक बार वैसे भी जा चुका हूँ, आप व्लॉग देख सकते हैं, लेकिन तब बहुत रेन थी, हम लोग हॉर्स राइडिंग करके जा रहे थे। लेकिन इस बार सब कुछ अलग होने वाला है, हम लोग जाने वाले हैं ट्रेन से और हम लोग करेंगे वहाँ पर ट्रैकिंग। और मैं तो एक्साइटेड हूँ टॉय ट्रेन में जाने के लिए। टॉय ट्रेन में बैठ के जो मजा आता है ना बाहर का रास्ता देखते हुए, वो किसी चीज में नहीं आता। तो लेट्स गो गाइस, इस ब्लॉग को प्लीज पूरा देखिएगा। और हाँ, मेरा पुराना वाला माथेरन का ब्लॉग भी देखिएगा, वो भी बड़ा एडवेंचरस है। नन्या की फैमिली और मेरी फैमिली ट्रिप के लिए निकल गए हैं अभी सुबह सुबह। तो अब हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और आदि और मैंने तो विंडो सीट ले ली है, हमने विंडो सीट ले ली है। अब हम सारे देखते हुए चले और वहाँ पे वो लोग बात कर रहे हैं। आदि ने वो सर्दी देखी हुई है ना, तो उसको ये नॉर्मल लगती है, इन लोगों ने नहीं देखी थी। आज हम लोग लास्ट टाइम तो क्लास से गए थे ना, आज हम ट्रेन से जा रहे हैं। और अनन्या भी इस बार जा रही है, पिछली बार अनन्या नहीं आ पाई थी, तो अनन्या भी इस बार जा रही है और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। ठंडी होती है तो आखिरी स्कूल जैसा ही है। मैं काफ़ी टाइम बाद आज ट्रेन में बैठा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब साथ में तो हम बहुत इंजॉय कर पा रहे हैं। तो अभी हम लोग उस ट्रेन से तो बाहर निकल गए बड़ी मुश्किल से, और अभी हम टॉय ट्रेन के अभी आ चुके हैं। ट्रेन आ चुकी है और हम लोग जाने वाले हैं। तो यहाँ पे सब लोग BBLJ का सीन रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फाइनली हम बैठ चुके हैं, फाइनली हम बैठ चुके हैं टॉय ट्रेन में। बहुत मजा आ रहा है, अफ्रीका ये रहा माथेरन का रेलवे स्टेशन। हम उतर चुके हैं और अब मैं एक्साइटेड हूँ पहले फॉरेस्ट कैंपिंग करने। तो अब हम पहुंच चुके हैं माथेरन। आई लव माथेरन। हम सब ने यहाँ पे ग्रुप फोटो क्लिक करवाई है आई लव माथेरन के पास में। हम पहुंच गए, हम लोगों को मजा आया टॉय ट्रेन में और अब हम पहुंच चुके हैं। वहाँ पे कच्ची सौंफ मिल रही थी तो हमने तो बहुत सारी ली, और आप जाओ तो प्लीज ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत टेस्टी होती है। यहाँ पे हॉर्सेस भी है, मेरे पाँव दुख रहे थे लेकिन मैंने ये सोच के आया हूँ कि हम ट्रैकिंग ही करेंगे। कम ऑन, वेलकम टू माथेरन। तो अब हम ट्रैकिंग करके अपने कैंप साइट तक जा रहे हैं, और उससे पहले हमने थोड़ी देर ब्रेक किया था, मैंने ज्यादा कुछ नहीं, एक मैगी का पैकेट खाया। तो ये यहाँ का मार्केट है जहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती है, फूड, टॉयज, थे अमेजिंग। लेडीज के लिए शॉपिंग की तो बहुत ज्यादा वैरायटी है जैसे नॉर्मली होता है।
कैंपिंग तो फाइनली हम लोग अलेक्जेंडर तक पहुंच चुके हैं। तो अब आते ही मैंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया है और ये देखिए आप मेरी बैटिंग। ओ ये देखा भैया पकड़ लग जाती ना रितु। आदि आप क्या कर रहे हो? जो भी मुझे कुछ खेलता हुआ दिख रहा था मैं उनके पास जा के बोल रहा था कि मैं भी खेलूं। मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं तो टेंट में सोने के वक्त ही गया था, बाकी टाइम तो मैं खेल ही रहा था। तो अभी हमारा लंच टाइम हो गया है और अब हम लंच कर रहे हैं। क्या है? अभी हम लोग टेंट देखने जा रहे हैं। अंकल और पापा तो बहुत ज़्यादा डीप फॉरेस्ट में जा रहे हैं तो मम्मा को सेफ नहीं लग रहा है मेरे ख्याल से। और आंटी का भी यही कहना है कि हम लोग थोड़ा पब्लिक एरिया में ही टेंट लेते हैं, यहाँ पे लेना उनको अच्छा नहीं लग रहा और मुझे भी नहीं। तो फाइनली हमने टेंट ले लिया है और ये सबसे ऊपर ही ऊपर वाला टेंट है। यस आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं अंदर जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ खेल के खा के। ये फॉरेस्ट कैंपिंग है तो यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स आ सकते हैं जैसे कि कैट, मंकीज, डॉग्स और लायंस। ये सिंपल बात है इन लोगों के लिए, तो मेरे ख्याल से ये दिन भर देखते होंगे। कोशिश की है लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तो यहाँ पे बहुत सारे मंकी हैं और ये एक मंकी ने तो बो ही ले लिया। अरे कल काट लेना चला गया। ये है हमारा इवनिंग स्नैक टाइम। बैठो ना।
मजा।
तो हम लोग मिडनाइट ट्रैकिंग पे गए थे, हमें तो बहुत मजा आया। अपनी आंखों में पहले कुछ लोगों को डर भी लग रहा था जो सबसे एंड में चल रहे थे, फिर वो भाग भाग के जल्दी हमारे ग्रुप के साथ आ रहे थे, और फिर अच्छा लग रहा था मुझे भी। नाइट में हम लोग कुछ देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन एक अलग एक्सपीरियंस था, मुझे अच्छा लगा। और पूरी सिटी लाइटिंग के साथ दिख रही थी मुझे, और ऊपर जो स्टार्स थे वो भी लाइटिंग में दिख रहे थे, तो मुझे बहुत ही अच्छा व्यू मिल रहा था। तो ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग बहुत ही अमेजिंग है, और हम लोग रेडी हो गए हैं जाने के लिए, और मैं वापस आ गया क्रिकेट खेलने यहाँ पे। ने बॉल की और मैंने एक शॉट मारा, और ये बॉल गई आउट ऑफ द बाउंड्री, सिक्स। और यहाँ शुरू होता है हमारा सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। तो अब हम लोग जा रहे हैं, हमने सब कुछ पैक अप कर लिया है, और अब हम ट्रैकिंग करने जा रहे हैं माथेरन में। ज़्यादा मज़ा माथेरन में ट्रैकिंग करने का ही आता है, हर एक जगह जब ऐसे माउंटेन प्लेस में ट्रैकिंग करने में एक अलग मज़ा होता है, हॉर्स राइडिंग तो करते रहते हैं। तो लेट्स गो। हम लोग अभी ट्रैकिंग के लिए निकल चुके थे, सबने अपने अपने बैग लिए हुए थे, और ये बहुत बड़ा एडवेंचर था। आदि मस्त था, आदि कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन वो भी चला हमारी तरह, बहुत चला, और ये एक अच्छा और बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था। बहुत ही नीचेंट क्लियर वाटर है, क्रिस्टल क्लियर। चाचा मेरी मम्मा है। हाँ, वो चल रही है। पॉइंट वहाँ आगे। हाँ, आगे वो दिख रहा है ना? नहीं, उससे और आगे भी है। वो सामने देख रहा है। मुझे और आदि को भूख लग गई थी, तो इसलिए हम वेफर्स खाने बैठ गए एक जगह। सब थक गए थे, तो हमने एक रेस्ट ले लिया, और अब हम वापस जाएंगे। कम ऑन गाइस। मैंने देखा कि पापा ने रात को बहुत डांस कर लिया था, इसलिए पापा इसे चला भी नहीं जा रहा, तो मैं वापस गया नीचे पापा के पास, पापा को हाथ दिया, और फिर पापा को खींच के लेके गया। पापा ने जो रात को जंप कर करके डांस किया था ना, इसीलिए पापा के इतने लेग पेन हो रहे हैं। मुझे यहाँ पे चल के ऐसा लग रहा है कि मैं बेयर ग्रिल्स के साथ हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हूँ। सॉल्टी सोडा तीन, दो और दो सात। लॉर्ड्स पॉइंट पे हमने काफ़ी सारे गेम्स खेले, मुझे बहुत मज़ा आया। जब हम लास्ट टाइम आए थे तो ये जो व्यू है ये और भी ब्यूटीफुल लग रहा था, क्योंकि तब रेनी सीजन था, लेकिन आज ग्रीनरी है, यहाँ पे ग्रीनरी देखने को मिलती है, इसलिए आज की एक अलग खास बात है। ये यहाँ पे बहुत सारे गेम्स हैं प्राइस के साथ लिखे हुए, आपको क्या खेलना है वो आप पे निर्भर है। नंबर विनिंग गेम खेला मैंने दो बार, लेकिन मैं नहीं जीत पाया, मेरा लक अच्छा नहीं होगा, लेकिन आदि दो दो बार जीत गया। बेटर लक।
आपको गेम वगैरह खेला जाएगा कितना हो गया बेटा फ्री में ये ये बकेट वाला भी मैंने ट्राई किया लेकिन इसमें भी मैंने कोई छंडे नहीं गाड़े मेरे चांसेस ही कम थे इसमें उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि आज मेरा लक थोड़ा खराब है इसलिए कोई गेम ना खेलते हुए मैंने टेलीस्कोप से बहुत सुंदर सुंदर नजारे देखे और वो भी जमीन कुटली घेतली किती पडली तीन कॉल देतो 50 रुपये चार्ज आहे पूरा 6 कॉल गलत देख रहे हो फिर आराम से देखिए आपको ब्राउन कलर में दो लैडर नजर आएगा वुडन का दिख रहा है ओके तो ऐसे बोलो ना पहले बोले कुछ हिल रहा है बहुत सारे लोग हैं जो उधर खड़े हैं और एक फ्लैग है और एक छोटा फ्लैग है और एक पोल है वहाँ पे उसके नीचे कुछ व्हाइट कलर का सा स्टैंड है कलर से ना वो शेड बना है किसी छाव के लिए और लोग ऊपर चढ़ रहे हैं देखो फिर से दिख रहे हैं क्या पिछली बार तो डैम में बहुत ज्यादा इधर पानी था लेकिन इस बार पूरा सूख चुका है जब मैं तैयारी करके आता हूँ तभी सूखा चीटिंग होती है इन हॉर्स को देख के मैं जब पिछली बार आया था तो मैं पतंजलि पे बैठा था तो मुझे उसकी याद आ रही है काश वो आ जाए और मैं उस पर बैठ के जाऊँ सब थक गए हैं लेकिन अब ट्रैकिंग करने का सोचा है तो ट्रैकिंग ही करनी पड़ेगी सो गाइस कैसी लगी आपको हमारी फॉरेस्ट कैंपिंग मैंने तो बहुत मजे किए मेरा तो वहाँ पे एक अलग ग्रुप बन चुका था मैं वहाँ पे क्रिकेट खेल रहा था मीन्स जब से मैं गया था ना वहाँ पे मैं क्रिकेट ही खेल रहा था उसके बाद लास्ट में रात को जब डांस कर रहे थे ना एकदम मज़ा आ गया मुझे तो फिर हमने ट्रैकिंग की ट्रैकिंग का एक अलग मज़ा होता है मतलब ट्रैकिंग करते हुए बहुत मज़ा आता है मेरे को तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लाइक माई चैनल सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट